सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आर चैनल. मैं हूँ सुरभि और मैं हूँ दीपक. और वेलकम बैक टू इंडियन गर्ल इन यूरोप. और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. और हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें रियल फन जो है हम लोग दिखाते हैं उसे भी सब्सक्राइब कर लो. आज हम लोग आपको एक और इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं. ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे इंडियंस के लिए, आई थिंक सभी इंडियंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो हमने सोचा, हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई तो हमने सोचा कि हम आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और होपफुली ये जो एक्सपीरियंस है ये आप लोगों को काम आए. हम लोग जो आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इसके अलावा अगर आपके पास कोई टिप्स है तो हम लोगों को ज़रूर कमेंट करना. तो दीपक, टॉपिक क्या है आज का? तो जैसा आपने टाइटल देख के समझ ही गए होंगे आपकी आज का टॉपिक है अबाउट शिफ्टिंग. हमने रिसेंटली शिफ्ट किया है तो हमारे क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं शिफ्टिंग के, क्या हमें लगता था कि हम गलती की हैं जिनको सुधारा जा सकता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे आज. तो हम शुरू करते हैं, क्या क्या हमारे टॉपिक हैं. तो हमने ये डिवाइड किया है कुछ चीज़ों में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे कर सकते हो, प्लस पेंटिंग, घर की साफ़ सफाई और घर के सारी चीज़ों से रिलेटेड वो. और तीसरी चीज़ें, जब आप घर ढूंढते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपका जो काम है वो थोड़ा सा इजी हो जाए और आप लोगों के जो एफर्ट्स हैं वो बहुत कम लगें. तो बेसिकली हमारा पूरा फोकस रहेगा शिफ्टिंग के बारे में, क्योंकि हमने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया कि घर कैसे ढूंढें, और शिफ्टिंग के बाद का भी हम एक वीडियो बताएंगे कि शिफ्टिंग के बाद क्या प्रोसेस होती है स्पेशली जर्मनी में. तो अब हम पूरा बताते हैं आपको शिफ्टिंग करने का सबसे ईजी मतलब आसान तरीका क्या है, क्या क्या गलतियाँ आप ना करें और क्या सिस्टमेटिक अप्रोच है और क्या हमें प्रॉब्लम्स आई जो हम आपके साथ शेयर कर सकें, हमने क्या सॉल्यूशन निकाले. तो शुरू करते हैं सुरभि. तो कहानी स्टार्ट हुई जब हम लोगों ने 3 महीने पहले अपना जो नोटिस है, घर को नोटिस देना होता है ना कि हम घर छोड़ रहे हैं, तो 3 महीने पहले हमने जो है वो नोटिस दे दिया था और उसी टाइम पे हमने दूसरा जो घर है वो सर्च करना चालू कर दिया था. ठीक है, अब हम सबसे पहले आपको घर सर्च करने की चीज़ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो गलतियां करी हम चाहते हैं कि आप वो ना करो. तो हमने बिकॉज ऑफ सम रीज़न हमने आपको कुछ घर दिखाए थे अपने चैनल पे, उस घरों में से कोई भी घर हमने नहीं फाइनलाइज करे. हमने वो घर फाइनलाइज करा है जो हमने आपको नहीं दिखाया जो हमने भी नहीं देखा था. तो हम लोगों को बिकॉज टाइम की कमी के कारण हमारा लास्ट मंथ था, हमें घर नहीं मिला था और हमारी कुछ चीज़ें जो हैं वो सेटल नहीं हो पा रही थी, इस वजह से हमने ये समझ लो कि घर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया. हमने घर नहीं देखा और हमने घर फाइनलाइज किया, लेकिन उसके बाद हमें बहुत सारे एक्चुअली हमारे कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं कि अभी हम घर जो हमें मिला हमें टेम्परेरी अभी लेना था तो हमने ले लिया है. तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यहाँ आकर पता चली वो कि लिफ्ट नहीं थी. सेकेंडरी जो गैस है घर के अंदर जो गैस है वो इंडियन फूड के लिए कंपेटेबल नहीं है, स्पेशली रोटी बनाने, इंडक्शन टाइप की है पूरी, तो उसमें रोटी बनाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हीट नहीं आती. और वो कई सारे इक्विपमेंट तो उस पर मतलब उसके क्या बोलते हैं कंपेटेबल ही नहीं है हमारे इंडियन इक्विपमेंट उसके लिए. तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही हमारी. तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही स्टेयर केस, बहुत छोटा था, बहुत यूरोपियन जो स्टेयर केस जो छोटे छोटे होते हैं वो. तो घर के लिए ये 3 चीज़ें जो थी वो हमारी प्रॉब्लमेटिक थी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमें बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई. वो हम आपको लेटर बाद में बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली हम बोलना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड. तो सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप जब भी घर देखने जाते हो ना तो उस टाइम पर शिफ्टिंग का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत हेडेक होती है कि लिफ्ट हो, ग्राउंड फ्लोर पर का घर हो तो बेस्ट है, स्टेयर केस बड़ा हो, एटलीस्ट सामान उतारना चढ़ाने में इजी होना चाहिए, वो सब चीज़ें भी ध्यान रखें घर के अलावा. तो ये पहली चीज़ है. तो क्योंकि ये आपको तभी से स्टार्ट कर लेना चाहिए जब आप जो है वो घर वहाँ पर बोल रहे हो छोड़ रहे हो और नया घर जो है वो ढूंढ रहे हो. अब दूसरी बात आती है जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, ऑब्वियसली जो इंडिया में लोग बैठे होंगे उन्हें तो नहीं पता होगा और जो यहाँ पर भी इंडियंस रह रहे हैं और पहली बार घर चेंज कर रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा कि जब आप घर छोड़ते हो तो आपको घर एग्जैक्टली वैसा ही देना पड़ता है जैसा आपने लिया है, एकदम साफ सुथरा. अदरवाइज आप जो डिपॉजिट पे करते हो, तो सबसे पहले दीपक हमने कितना डिपॉजिट पे किया था? हमने अराउंड 2500 यूरो, 2500 यूरो के आसपास डिपॉजिट किया था. हाँ,
और वही है कि अगर आपके घर में कुछ भी डैमेज होता है या आप घर गंदा छोड़ते हो या जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके डिपॉजिट से हाँ, कटेंगी। तो उसमें क्या होता है ना, हाउस क्लीनिंग, लाइक हर एक कोना जो है हाउस क्लीनिंग से लेकर आपकी जो पेंट है वो एकदम साफ सुथरा, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में है कि आपको पेंट कराना है तो वो, और घर में अगर कोई भी चीज़ें डैमेज हुई हैं या कुछ ख़राब हुई है, वो सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जिसके अच्छा, एक बाद चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, रिसेंटली यहाँ पर रूल चेंज हो गया है कि पेंटिंग और आपको क्लीनिंग करके घर छोड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द आपके कॉन्ट्रैक्ट, कई कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है कि आपको घर क्लीन करना है, पेंट करके ही छोड़ना है, और अपार्टमेंट की सिचुएशन कैसी है उस टाइम पे आप छोड़ रहे हैं, तो दोनों तरह की सिचुएशंस होती हैं। हाँ, तो हम लोग, मैं ये बता रही थी दीपक के बोलने से पहले कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे हमने घर इतना साफ छोड़ा, इतना साफ छोड़ा कि जो बंदा देखने आया था, तो यहाँ पर देखते हैं, चेक करते हैं जब आप घर जिस दिन उनको कीज़ देने वाले होते हो, वो इतना शौक हो गया कि हम आपको बताएंगे वो अच्छे सेंस में शौक हुआ है या बुरे सेंस में शौक हुआ है, जब तक आप सोचो कि क्या हो सकता है। और हमारा डिपॉजिट कितना वापस आएगा वो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। हाँ, और थर्ड चीज़ क्या है दीपक? इसी से रिलेटेड है पेंटिंग, तो अगर जैसा मैंने बोला आपको, अगर आपका घर पेंट करवा के छोड़ना है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो पेंटिंग है ना वो किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं, वरना आप रायता फैला देंगे। सीरियसली पहले मुझे लगा था कि हम कर लेंगे, लेकिन थैंक्स टू सुरभि के, सुरभि के कॉन्टैक्ट हर जगह तगड़े ही होते हैं। सुरभि ने कहीं से ढूंढा, कुछ उसके फ्रेंड्स थे जो इसी फील्ड में हैं, उनके थ्रू हमने पेंटिंग करवाई। जब मैंने उनको देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये इजी नहीं है यहाँ पर पेंटिंग खुद से करना, वो लोग बहुत अच्छे से नीट और क्लीन तरीके से करते हैं, हम पेंटिंग करेंगे तो एफर्ट जाएंगे, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, फिर फ्लोर पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे क्लीन करने में डबल टाइम जाएगा, तो आप प्रोफेशनल को इससे ही करवाएं, ये मैं सजेस्ट करूंगा। तो जो जुगाड़ सुरभि ने लगाई उसके बारे में सुरभि बताएगी। सुरभि, तो अगर आप पेंटिंग प्रोफेशनल से करवा रहे हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ती है ना, डिपेंडिंग ऑन द अपार्टमेंट साइज़ कितना होता है, तो वो थोड़ा, जैसे हमने पहले ही बताया, सर्विस यहाँ पे थोड़ी कॉस्टली होती है, तो हमने जो पेंटिंग करवाई वो थैंकफुली सुरभि के कुछ कॉन्टेक्ट्स थे, उन्होंने कर दी और बहुत सस्ते में कर दी। वो प्रोफेशनल बंदे थे, उन्होंने एकदम प्रोफेशनल तरीके से करी, सस्ते में करी, ऑफ कोर्स बिकॉज पहचान थी हमारी, तो हमारी हो गई है, रेट तो नहीं बताएंगे नहीं तो आप लोग शॉक हो जाओगे। बहुत सस्ते में जुगाड़ हाँ, हो गई, लेकिन इतना बोल अगर सकते आप हैं। पेंट करके नहीं जाते और आप घर जो है वो ऐसे ही छोड़ देते हो और आप बोल देते हो अपने ओनर को कि भाई पेंट आप करा लो, तो आपको उस केस में हो सकता है आपके जो पैसे हैं लाइक वो 1000 यूरो तक कट जाएं। हाँ, तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करने के लिए हमने जो पेंटर है वो एक ऐसा पेंटर लिया जो प्रोफेशनल हो, और उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ हमारे घर पे, क्योंकि जब आप जब भी टेस्ट करने आता है वो जब देखता है और जब वॉल्स जो हैं वो साफ़ सुथरी दिखती हैं ना, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, एक अलग इमेज पड़ती है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ट्रांसपोर्टेशन है, और ट्रांसपोर्टेशन में बिकॉज दीपक ने सब कुछ मैनेज किया, तो दीपक क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी ओके, चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली सुरभि दो तरीके हैं करने के, ठीक है, पहला ये कि आप खुद से करो, दूसरा ये कि आप किसी से करवाओ, किसी कंपनी से, जैसे मूवर्स एंड पैकर्स हैं इंडिया में, इस टाइप की कंपनी से करवाओ। तो डिपेंडिंग अगेन आपका क्या बजट है उस पर डिपेंड करता है, अगर आप किसी से करवाते हैं तो हम यहाँ पे साइड में आपको डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। रफली मैं बताऊँ तो हमने जो घर शिफ्ट किया है, हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमारा घर था 70 किलोमीटर से यहाँ से, और एवरेज दो लोगों के हिसाब से सामान, मतलब एक बेड, सोफ़ा, कुछ कबर्ड्स और जो जनरल आइटम्स होते हैं वो सब शिफ्ट करने हैं अगर, तो किसी कंपनी से अगर हम कोटेशन लेते हैं तो अराउंड 900 to 1000 यूरोस पड़ती है हमारे केस में। मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा। तो दीपक, हाँ, एक मिनट बढ़ाने से पहले मैं बस ये बता देती हूँ, ट्रांसपोर्टेशन इन शिफ्टिंग का मतलब हमारा ये है कि आपकी गाड़ी या फिर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बुक कर रहे हो वो, प्लस जो सामान है वो उठाना रखना, उसको डिसम्बल करना, असम्बल करना, उससे रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड। हाँ, वो पैक सारी चीज़ें नहीं करेंगे, जैसे आपके बड़े सामान है जैसे बेड को डिसअसेंबल करना वो करेंगे, वो लोडिंग अनलोडिंग करेंगे, आपके अपार्टमेंट में सामान चढ़ा देंगे, असेंबल कर देंगे बेड को, वो सब करेंगे।
आपके कपड़े वपड़े बर्तन वाड़ने हो तो खुद ही पैक करने पड़ते हैं। तो एक चीज उसकी भी है लेकिन उसके एडिशनल बहुत पैसे लगेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे दीपक ने बोला हम जिस जगह से जिस जगह आने वाले थे लाइक 70 किलोमीटर दूर, और अगर हम किसी को बुक करते जो हमारा सामान भी लाइक जो बेसिक सामान है वो रखता गाड़ी में और गाड़ी ड्राइव करता यहाँ तक मेटजिंगन में, और मेटजिंगन में घर पे आके ऊपर सामान रखता, तो उसका 900 यूरो पड़ता, 900 से 1000 के बीच में एवरेज। पर हमने जो है वो यही काम 150 टू 200 यूरो में कंप्लीट कर लिया। राइट, तो क्या क्या किया दीपक हमने ऐसे? वही मैं बोलता हूँ कि वो दूसरा तरीका है। उसमें ये है कि आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप एक जो छोटा सा मिनी वैन ट्रक टाइप का ट्रांसपोर्टर होता है वो आप रेंट पे ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस जनरल कार का होता है वो क्लास बी होता है, तो बी क्लास के अंदर आप 3.5 टन तक की गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। तो उस कैटेगरी में आपको देखना पड़ेगा कौन सी गाड़ी आपके लाइसेंस पे अवेलेबल है। तो हमने वो ट्रांसपोर्टर रेंट पे लिया 2 दिन के लिए। उसके लिए भी आप स्पेशली ध्यान रखें कि अगर आप मंथ एंड में बुक कर रहे हैं और स्पेशली अगर वो वीकेंड है तो बहुत रेट बढ़ जाता है, बहुत रेट। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपकी वीकडेज में या फिर मंथ के बीच में या वीकेंड मतलब मंथ एंड से थोड़ा पहले ही बुक करें, जैसे बेटर रहेगा। जैसे अभी हम लोग इधर वीडियो बनाने से पहले ही हमने चेक किया, अभी जो नेक्स्ट वीकेंड आ रहा है उसमें 250 यूरो की पर डे की गाड़ी मिल रही है मंथ एंड पे, 250 की मिल रही है एक दिन की। हाँ, और उससे पहले वीकडेज में 40 यूरो, 40-50-60 यूरो, आप समझ सकते हो अंतर कितना। तो एक दो दिन की छुट्टी लेके प्लीज़ इधर उधर डेट्स कर लो, बिकॉज ऑब्वियसली 150 यूरो 160 यूरो पर डे का डिफरेंस आ रहा है जब आप वीक एंड में भी और मंथ एंड में स्पेशली। तो वही है कि आप एडवांस में बुक करो, ये डेट्स चेक कर लो, बहुत आपके पैसे बचेंगे उस चीज़ से। तो वो हमने किया। और सेकेंडरी इसमें क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि सारा काम आपको करना पड़ेगा, आपको खुद ही ड्राइव करना पड़ेगी गाड़ी, खुद सामान चढ़ाना उतारना। तो हम लोगों ने भाई हमारी हालत ख़राब हो गई थी, आप क्लिप देख सुर भी कुछ क्लिप दिखा पाएगी तो बेटर है। थैंकफुली हमारा एक फ्रेंड्स हैं वो लोग आ गए थे, उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प की हमारी, तो उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो हैवी सामान उठाने में ईजी होता है। तो ये एक सेकेंड तरीका है कि आपको खुद से। और सेकेंडरी अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो या तो आप कंपनी चूज़ करो मूवर्स एंड पैकर्स फॉर एग्जांपल के इस टाइप से। सेकेंडरी ऑप्शन ये है कि आप गाड़ी रेंट पर लो, आप ट्राई करो आपके लोकल एरिया में आसपास कोई ड्राइवर मिल जाए आपको रेंट पर, तो वो एटलीस्ट थोड़ा चीपर ऑप्शन पड़ेगा। तो लोडिंग अनलोडिंग आप कर लोगे, बाकी ड्राइविंग उस बंदे से करवा सकते हो, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। इस चीज़ में मैं एक चीज़ और बताती हूँ, क्योंकि हमने सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ही उठा के रखी, मतलब है ना, तो उसमें हमें क्या लगा कि जो चीज़ें भारी सामान है वो वहीं छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप भारी सामान पहले अपनी गाड़ी में चढ़ाओगे और फिर पहले तो भारी सामान यहाँ पर खरीदो ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको खरीदना पड़ गया फॉर सम रीज़न तो आप प्लीज़ उसे लेके मत जाओ, क्योंकि ये जो मेहनत होती है ना उठा के रखने की और फिर यहाँ से वहाँ रखने की वो ज़्यादा होती है। देन आप वहीं पर जाओ, मतलब वो या तो बेच दो OLX से, या OLX तो नहीं होता सॉरी, आप या तो ईबे वगैरह जो भी है उस पर बेच दो या फिर छोड़ दो क्यों, और नया खरीद लो यहाँ पर, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। जनरली वही करते हैं लोग यहाँ पर। तो जो आपका रेंट पे अपार्टमेंट पुराना लेने वाला है उससे बात कर लो, अगर उसको कुछ खरीदना है तो आप यहाँ आकर खरीद लो, वो एक ऑप्शन हो सकता है। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है पैकिंग अनपैकिंग की। बताओगी क्या है, क्या मतलब उसमें ट्रिक यूज कर सकते हैं? वही, अब आप लोग ने तो पैकिंग के नाम पे हमें एक ही चीज दिमाग में आती है कि कार्टन्स में सब चीज पैक करो स्टाइल में और कार्टन्स उठा रहे हैं दे रहे हैं, बट एक्चुअली वो अगर सिर्फ दो ही लोग हैं और आपको ही सब कुछ करना है उस केस में ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज कार्टन उठाना जो है वो ज़्यादा मेहनती काम होता है देन अब जो हम आपको बता रहे हैं, एंड दैट इज़ पॉलीथिन जो क्राइम पेट्रोल में लोग खून करके और इसका क्रेडिट जाएगा विजय को, विजय ने बहुत लास्ट ठिकाने लगाई। हाँ। विजय ने हमें सजेशन दिया था। हाँ। कि क्या करो आप, जो बड़ी 120 लीटर की जो पॉलीथिन आती है ना बड़ी वाली गार्बेज वाली ब्लैक या ब्लू, वो लो कपड़े स्पेशली उसमें डालो आप फोल्ड करके, जितने ज़्यादा डाल सकते हो, क्योंकि उसको में क्या पहली बात कम जगह में ज़्यादा सामान आता है, उठाना इजी होता है। सुरभि ने भाई साहब इतना सामान उठा के ऊपर नीचे चढ़ा दिया, वही अगर कार्टन्स होते ना तो हमारी वाट लग जाती। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो बहुत यूजफुल रहा सुरभि हमारे लिए, है ना। ये तो हाँ, तो ये आप कर सकते हो। और कार्टन्स में मतलब फिर यहाँ आने के बाद थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन जब आपका जो इनिशियल जो काम है जो एक्चुअली बहुत ज्यादा काम होता है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो पॉली बैग में जो टूटने फूटने वाला सामान नहीं है वो सब उसमें भरो, स्पेशली कपड़े वगैरह
उसमें भरो और फिर आपको मतलब मेरे जैसी मेरे हाथ में बिल्कुल दम नहीं है तो भी मैंने दो दो पॉलिथीन उठा उठा के रखे तो यू कैन बहुत इजी था एक्चुअली कन्वीनिएंट था हमारे लिए। एक और चीज़ जो हमने बहुत अच्छा मुझे लगता है लास्ट मोमेंट पे हमने वो चीज़ करी और वो हमारी बहुत हेल्प करा वो दीपक व्हील्स वाला जो ट्रॉली ट्रॉली तो हमने बहुत जो भारी भारी सामान है वो ट्रॉली में रख रख के हमने शिफ्ट किया तो ट्रॉली लेना भी एक बहुत ही इंटेलिजेंट एडवाइस है और यहाँ पर लोगों के पास होती है तो हमने भी अब खरीद ली तो अब आप लोगों को चाहिए हो तो आप बताना तो हम लोग आपको थोड़ा वो एक्चुअली इंटेलिजेंट डिसीजन था लास्ट मोमेंट पे। छोटी सी ट्रॉली आती है रेंट पे लोगे आप तो भी आपको 20-25 यूरो की पड़ेगी शायद दो दिन के लिए तो हमने खरीद ली थी टूम से कितनी हमें शायद 35 यूरो की पड़ी थी और बहुत कन्वीनियंट थी। मतलब आप समझो कि वॉशिंग मशीन उस पर रख कर लेकर जाओ गाड़ी में रखो उतारो उससे लेकर जाओ तो आपके जो इतनी एफर्ट है ना छोटा छोटा सामान आपको उठाकर ले जाना है बार बार इधर उधर रखना वो बहुत एफर्ट बचेंगे आपके वो आप कर सकते हो। तो बेसिकली कुछ टिप्स थी हमारी जो हमारा एक्सपीरियंस था वो हमने शेयर किया आपके साथ शिफ्टिंग से रिलेटेड अगर किसी को कुछ हेल्प मिलेगी तो वेरी गुड। और लास्ट में हमने एक जो ध्यान करी चीज़ें जिसकी वजह से जो हमारा कॉशन मनी है वो वापस आया कितना आया वो हम बताते हैं आपको वो था क्लीनिंग। तो लास्ट में दीपक जो पूरी क्लीनिंग तो करी ली थी बहुत अच्छे से कोना साफ करा था बहुत अच्छे से मतलब टाइम देके बट लास्ट दिन दीपक जब जो कीज़ हैं वो हैंडओवर करने गया था तब इसने और बहुत अच्छे से जो घर है वो एकदम चमका दिया था। तो दीपक जब वो एंटर हुआ तो उसने क्या बोला वो बंदा तो घुस के पहली बात तो शॉक हो गया बोलता वाह यार यानी ये तो नया सा ही लग रहा है तुम लोग रहे भी हो यहाँ पर क्या एकदम मस्त चमका रखा था हमने खुश हो गया वो बंदा नो डाउट। और हमें भी अच्छा लगता है यार साफ सुथरा छोड़ो तो दो रीज़न से पहले हमें साफ सुथरा छोड़ना मतलब हम नहीं चाहते यार कोई बोले कैसा गंदा सा घर छोड़ गए वो और दूसरा ऑफ कोर्स पैसे तो जो हमारा उसने एंड ऑफ द डे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यार कि कम से कम 500 यूरो तो कटेंगे क्योंकि हमने बहुत साफ कर दिया था और मैं दीपक से बोल रही थी वाओ यार दीपक इस घर में फिर से रहने का मन कर रहा है। फाइनली जो उसने हमें एस्टिमेट बताया कि आपके कितने कटेंगे वो उसने बताया आपके 100 यूरो कटेंगे बाकी सारे वापस 100 यूरो मतलब आप मानोगे नहीं मतलब आप लोग ने भी कभी चेंज किया होगा ज़रूर बताना कि आपके जो ओनर हैं या जिससे भी एजेंसी से है तो कितने पैसे काटे बट उसने हमें ये बोला कि 100 यूरो वो भी रूल है इस वजह से वो काटेंगे डीप क्लीनिंग होती है ना कुछ किचन इक्विपमेंट्स की उसके लिए हाँ उसके अलावा आपका सारा पैसा वापस आ जाएगा। एंड ये बात जो थी ये हमारे लिए एक अचीवमेंट थी हमें तो खुशी हुई एकदम कि चलो इतनी मेहनत की कहीं तो फायदा हुआ और मैक्सिमम चीजें तो जुगाड़ से हो गई ये सुनने में पता नहीं कहां कहां से प्रोफेशनल काम करवा दिए सस्ते में। नहीं नहीं ये जुगाड़ नहीं होते एक होता है कि जैसे मैं कॉन्टेक्ट मतलब मैं किसी से मिलती हूं तो मैं एक्चुअली नंबर भी एक्सचेंज कर लेती हूं और कॉन्टेक्ट में भी रहती हूं तो वो बहुत ज़्यादा काम आया और थैंक्स टू दोज पीपल ऑल्सो जिन्होंने कम पैसों में ये सारी चीज़ें कर ली आज भी यहाँ पर जर्मनी आके पैसे ही निकलते हैं सॉरी। तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर एक्चुअली इस चीज़ में मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुई थी तो मैं नहीं चाहता कि किसी और को ये चीज़ फेस हो और बेसिकली मैंने भी सर्च करने की कोशिश की थी पर मुझे ऐसा कुछ कंटेंट मिला नहीं था डायरेक्टली तो अगर इससे किसी एक बंदे की भी हेल्प होगी तो यार अच्छा है क्योंकि मैं नहीं चाहता जो प्रॉब्लम मैंने फेस की वो कोई और करे वो था कलर चूज करना पेंटिंग को लेकर। तो हमारा अगर आपका कलर फॉर एग्जांपल ब्राउन ग्रीन रेड या कुछ है तो उसका क्या तरीका होता है आप टूम या OBI जैसे बड़े स्टोर्स होते हैं वहाँ पर आप जाइए वहाँ पर कलर कार्ड्स होते हैं वो आप लेकर आइए मैच कीजिए अपने घर से वॉल से और जो कलर आपको मतलब मैच हो रहा है 100% वो आप खरीद लीजिए। दूसरा हमारा क्या था वाइट था और वाइट में इतने ऑप्शन थे समझ नहीं आ रहा था मेरा दिमाग खराब हो गया था और हम लोग कुछ लेके आए स्वेचेस और हमने जब देखे तो वो एक भी जो है वो मैच नहीं कर रहा था। तो जैसे मैंने आपको बोला आपको डिफरेंट कलर्स के कार्ड्स मिल जाएंगे वो आप मैच कर सकते हो और वो कलर ऑर्डर कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है प्रॉब्लम मुझे आई थी क्योंकि हमारा घर था वाइट और मैं नहीं चाहता था यार कि मिसमैच हो जाए रूफ और वॉल हमें सिर्फ वॉल पेंट करनी थी तो वाइट को लेके हम बहुत कंफ्यूज थे हम इतने सारे कलर्स ले आए एक भी मैच नहीं हुआ वाइट का। बाद में मुझे समझ आया वाइट वाइट ही होता है आप कोई सा भी वाइट ऑर्डर कर दो मैंने दो अलग तरह के वाइट ऑर्डर किए थे और वो दोनों हमने पेंट किए एक अंदर हॉल में एक किचन में और दोनों का कलर सेम ही आया। तो आप वाइट में कंफ्यूज मत होइए कोई भी वाइट कलर आप ऑर्डर कर दो और ले आओ आराम से इजीली पिक कर सकते हो तो ये एक थैंकफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हाँ तो वाइट में आप प्लीज़ स्वेचेस मत लाओ जैसा हमने किया था हम लोग दो दिन तक बस इसी शौक में थे यार ये मैच क्यों नहीं हो रहा कलर तो
आप ऐसा मत करना गाइस। होपफुली ये वीडियो जो है वो आपको हेल्प करे, यहाँ पर जो इंडियंस रह रहे हैं आने वाले हैं आप लोगों को ज़रूर ये हेल्प करेगा, हमारे जो एक्सपीरियंस हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों को हेल्प करेंगे। कुछ चीज़ें जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हम जानना चाहते हैं, वो हो सकता है कि आपके जो ओनर हैं वो अच्छे नहीं हैं, उन्होंने पूरे पैसे काट लिए, या ये भी हो सकता है कि आपको पेंट नहीं करवाना पड़ा या क्लीनिंग नहीं करवानी पड़ी, या कुछ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंसेस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो क्या है दीपक? वो होगा आफ्टर शिफ्टिंग। जैसा हमने आपको बोला कि शिफ्टिंग के बाद क्या क्या हेडेक है यहाँ पर जर्मनी में, वो हम आपको बताएंगे पूरा प्रॉपरली। हाँ, और तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क आता है, इम्पोर्टेंट है, वो जरूर देखना। तो वो जरूर देखना वो वाला वीडियो, और उस वीडियो के लिए कितने एक्साइटेड हो वो भी जरूर कमेंट करना, और ये वीडियो अपने जो भी जर्मन फ्रेंड्स हैं जो जर्मनी में रह रहे हैं उनसे शेयर करना, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, और मैं सुरभि और दीपक हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है जर्मनी के बारे में वो लेके आते ही रहेंगे। बाय बाय।